मज़ारी पाकिस्तान का एक बलोच कबीला है। मज़ारी बलोची लफ्ज मज़ार से माखूज है, जिसका मतलब बलोची जबान में शेर है। रोजान मज़ारी पंजाब के जिला राजनपुर का एक कस्बा है, जो बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब की बैनल सूबाई सरहदों के करीब वाक़े है। मज़ारी कबीला बलोचों के कदीम तरीन कबाइल में से एक है। मज़ारियों ने जिस इलाके को फतह किया वो आज भी तमन मज़ारी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक ऐसा इलाका शामिल था जिसमें सिंध के जिला कश्मोर का बेशतर हिस्सा, तहसील सादिक आबाद, जिला चट्ठा बख्शा मज़ारी, झंग और पंजाब की तमाम तहसील रोजान में शामिल थे। अंग्रेजों की आमद ने मज़ारी कबीले के लिए सुनहरी दौर देखा। सरदार ने भुवन कस्बे से लेकर सुलेमान पहाड़ी सिलसिले और कश्मोर से गियामोल तक एक इलाके पर हुकूमत की। ये कम अज कम 8000 किलोमीटर मुरब्बा का रकबा बताया जाता है। मज़ारियों ने नहरों, मुचियों, बुगटियों और चानियों को मुसलसल शिकस्त दी, मगलूब किया और फतह किया और पंजाब के सिखों के खिलाफ बहुत सी लड़ाइयां लड़ें जो अंग्रेजों की आमद से पहले गालिब ताकत थे। मज़ारी कबीले की जबान सुलेमान की बलोची कहलाती है। रोजान मज़ारी में बलोची जबान भी बड़े पैमाने पर समझी जाती है। सिंध में मज़ारी भी सिंधी बोलते हैं। 1836 में मिठनकोट, उस वक्त एक मजबूत सिख गैरिजन कला, मज़ारी चीफ सरदार मीर बहराम खान के छोटे भाई सरदार करम खान की कमान में मज़ारी बलोच कबायली अफवाज ने हमला किया। ये हमला महाराजा खड़क सिंह की रोजान मज़ारी को मुसलसल धमकियों के नतीजे में हुआ। चौकी जलकर खाकिस्तर हो गई, कैदियों को जिंदा जला दिया जाता था। महाराजा रंजीत सिंह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुल्तान के अपने गवर्नर दीवान सावन मिल चौपड़ा को रोजान पर हमला करने के लिए भेजा। इसके बावजूद मज़ारी की तरफ से जानी नुकसान कम था, क्योंकि सिख फौज ने फतेह का उनसर खो दिया था और मज़ारी बरवक्त अपना शहर खाली करने में कामयाब हो गए थे। उन्होंने फिर को सुलेमान में पना ली और वहां से सिखों को हरासा करते रहे, जिसके नतीजे में दोनों फरीकैन में मुसलसल झड़पें होती रहीं। किताब तहरीक मुजाहिदीन के मुताबिक मज़ारियों की बहादुरी का सुनकर तहरीक मुजाहिदीन के सैयद अहमद बरेलवी ने सरदार करम खान से राबता किया और सिखों के खिलाफ मिलकर लड़ने और लाहौर की सल्तनत को तबाह करने के लिए इत्तेहाद की पेशकश की। लेकिन सरदार करम खान ने अपने बड़े भाई मीर फसी खान से मशवरा करने के बाद इस पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दीवान सावन मिल चौपड़ा ने सरदार करम खान को मुल्तान मदू किया, जहां उन्होंने एक बाहमी मुआहिदा किया जिसकी लाहौर में तौसीक होनी थी। आखिरकार 1838 में मीर बहराम खान ने महाराजा रंजीत सिंह की दावत पर 12,000 मज़ारी कबाइलियों और अहलकारों के साथ लाहौर का दौरा किया। कला लाहौर में महाराजा ने मज़ारियों का शानदार और बेहतरीन शाही इस्तकबाल किया। महाराजा ने लाहौर कले के अंदर मुगलिया दौर के नौलखा पवीलियन समन बुर्ज को सरदार मीर बहराम खान मज़ारी के एक माह तक कयाम के लिए खसूसी तौर पर मुरम्मत कराया था। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली इस मुलाकात ने मज़ारी बलोच और सिख सल्तनत के दरमियान तवील जंग का खात्मा कर दिया, जो मिठनकोट पर हमले से शुरू हुई थी। मीर बहराम खान मज़ारी की एक तस्वीर हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में सिख वार गैलरी में मौजूद है और इसे महाराजा रंजीत सिंह के दरबार के जाती फ्रांसीसी मुसव्विर ने इस वक्त पेंट किया था जब मीर बहराम खान मज़ारी लाहौर तशरीफ लाए थे। कबीले के जेर कब्जा इलाके को बंजर और जरखेज के तौर पर दर्जा बंदी किया जा सकता है। रोजान मज़ारी के मगरब में सिलसिला सुलेमान वाक़े है और मशरक में दरियाए सिंध बहता है। बारिशें कम होती हैं, लेकिन हर साल 3-4 बार भारी बारिशें होती हैं, जो मगरब की तरफ से पहाड़ी धारों का बाइस बनती हैं। कपास, गंदुम, चावल, घने वगैरह जैसी फसलें उगाने के लिए आबो हुआ बेहतरीन है।